नमस्कार, सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थियों का और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के साथ पुनः एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुंदर सी सुविचार के साथ इसकी शुरुआत करते हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियाँ कैसे भी क्यों न हो लेकिन वो हमें हरा नहीं सकती। इसी वैश्विक परिस्थितियों का सामना करते हुए आइए मिलकर एक मिनट की एक सुंदर सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद आप लोगों को मालूम है हमारा पांचवा लेसन चल रहा है। पांचवे लेसन का नाम है गरीबी और उनसे अंतर्गत हमने बहुत सारे मुद्दों की लगभग जानकारी प्राप्त कर ली। अब तक हमने गरीबी का अर्थ, गरीबी के स्वरूप परंपरागत और आधुनिक, गरीबी के प्रकार निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी, गरीबी रेखा, गरीबी के कारण और अंतिम जो मुद्दा हमारा चल रहा है वो गरीबी दूर करने के उपाय, उन उपायों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे। उसके अंतर्गत हमने कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना का उपाय मुद्दा देख लिया था। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने वाला जो मुद्दा है वो भी हमने देख लिया था। असंगठित क्षेत्र का विकास करके भी गरीबी को घटाया जा सकता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था। उचित प्रकार की कर नीति का उपयोग करना वाला मुद्दा भी हमने देख लिया था। पांचवा, मानव पूंजी निवेश में वृद्धि का मुद्दा भी हम लोगों ने देख लिया था। और छठा, उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करवाना जैसे मुद्दों को हम लोगों ने मतलब देख लिया था। और सातवां, रोजगार लक्षी कार्यक्रम का जो मुद्दा है उसको भी हमने देख लिया है। आज जो मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ वो सातवें टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, रोजगार लक्षी कार्यक्रम। आप लोगों को अगले वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था कि बहुत सारे भारत के रोजगार लक्षी कार्यक्रम हैं। उन रोजगार लक्षी कार्यक्रमों के अंतर्गत पहला जो कार्यक्रम है वो है संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम, अर्थात IRDP, और दूसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। आज जो हम बात करने वाले हैं ये इन दोनों मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो संकलित ग्राम विकास योजना अर्थात IRDP और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना अर्थात SGSY, इनके बारे में मुद्दे अगर बनाते हो तो पहला मुद्दा कि ये योजना छठी योजना में ग्रामीण गरीबों के लिए विभिन्न
एजेंसियों के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए गए। इन शॉर्ट पहला मुद्दा कि इस योजना का विकास छठी योजना के अंतर्गत हुआ। नंबर दो, ये योजना कब चालू हुई? तो 2 अक्टूबर 1980 में संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पहला मुद्दा योजना, दूसरा समय 2 अक्टूबर 1980 के दिन ये चालू हुआ। तीसरा, IRDP अर्थात संकलित ग्राम विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को, स्वरोजगारों को प्रोत्साहन देना, गरीबी रेखा से ऊपर उठकर उनको आय प्राप्त कर सके, ये उसका मुख्य, इन शॉर्ट गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हो, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीन और चौथा, उसके लिए खासकर कौन से वर्गों का इसमें समावेश किया गया सर? तो के छोटे व सीमांत किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगरों का इसके अंतर्गत समावेश होता है। चार मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं। एक, पहला जो मुद्दा बनाना है वो योजना, छठी योजना। दूसरा जो मुद्दा है समय 2 अक्टूबर 1980। तीसरा उसका उद्देश्य। और चौथा इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्गों के लोगों का समावेश होता है। और पांचवा अगर मुद्दा आप बनाना चाहो तो IRDP स्वरोजगार हेतु जो कार्यक्रम चलाए गए उसके अंतर्गत की अलग अलग योजनाओं के नाम। उसके बाद जो मैं बात करूँगा IRDP योजना की, तो चालू हुई 1 अप्रैल 1999। उसके साथ एक दूसरी योजना, मतलब जो आप लोगों को कोष्टक में दिया है SGSY, मतलब जो IRDP थी उस योजना को सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में नाम बदल कर SGSY अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से बदल दिया। मतलब IRDP योजना का नाम बदल कर SGSY कर दिया 1 अप्रैल 1999 में। उसके बाद इसके अंतर्गत गाँव में छोटे उद्योगों का विकास कर, इसका उद्देश्य कि गाँव में छोटे उद्योगों का विकास करके साथ में स्वयं सहाय समूहों द्वारा उनको ढांचागत मदद, तकनीकी मदद, ऋण की सुविधा, उत्पादित वस्तुओं का बाजार वगैरह सुविधा देने का विचार इसी योजना, मतलब IRDP लिखो या SGSY लिखो, दोनों योजना एक ही है। केवल सरकार ने 1 अप्रैल 1999 में नाम बदल कर कुछ एक समूहों को इसके अंतर्गत जोड़ने का प्रयत्न किया। उसी क्रम में दूसरी योजना पेज नंबर 61 पर आप लोगों को दी है वेतनिक रोजगार का कार्यक्रम। अब वेतनिक रोजगार का कार्यक्रम का अर्थ क्या होता है, तो उसकी परिभाषा आपको लोगों को लिखनी हो तो लिख दीजिएगा कि जिस योजना के द्वारा बेरोजगारों और गरीबों को अल्प मात्रा में, फिर से एक बार, जिस योजना के द्वारा बेरोजगारों और गरीबों को अल्प मात्रा में वेतन चुकाया जाता हो, इस कार्यक्रम को वेतनिक रोजगार का कार्यक्रम कहा जाता है। मतलब अल्प मात्रा में वेतन, मतलब कम वेतन उसको चुकाया जाता हो। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य क्या था सर? तो किताब में दिया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी था, अर्थात सर हमें समझ में नहीं आया, तो उसके अंतर्गत लिखना है कि वेतन भी चुकाना और गरीबों को रोजगार के साथ साथ काम भी सिखाना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। इस योजना के अंतर्गत खासकर बाढ़, अकाल या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा देश के अंतर्गत आती है तो उस समय इस योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। पहला मुद्दा आप लोगों को परिभाषा लिखनी है कि जिस योजना के अंतर्गत गरीबों और बेरोजगारों को अल्प मात्रा में वेतन के साथ काम सिखाया जाता है उसको वेतनिक रोजगार का कार्यक्रम कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बहुआयामी था। तीसरा, ये योजना के अंतर्गत खासकर बाढ़, अकाल, अभाव और प्राकृतिक
आपदाओं के दौरान इसमें अलग अलग प्रकार के साधन बेरोजगारों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। वेतनिक रोजगार के अंतर्गत मुख्य दो कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है। चौथा मुद्दा, एक जवाहर रोजगार योजना अर्थात JRY और दूसरा रोजगार गारंटी योजना EAS, ये दो योजना वेतनिक रोजगार के अंतर्गत आती है। चार मुद्दे, पहला परिभाषा, दूसरा उद्देश्य, तीसरा कब और चौथा इसकी मुख्य कितनी योजनाएं है, ये चार मुद्दे आपको वेतनिक रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बनानी है। बीच में एक बात बता दूं कि ये जो लास्ट में आपको JRY जवाहर ग्राम रोजगार योजना और EAS रोजगार गारंटी योजना दी है, उसका फुल फॉर्म यदि आप लोगों को चाहिए तो आपकी अर्थशास्त्र की किताब के लास्ट में पेज में आपको इसका फुल फॉर्म भी मिल जाएगी। उसके बाद इस कार्यक्रमों के अंतर्गत तीसरी जो योजना है वो योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अर्थात पहला मुद्दा उसका पूरा नाम PMRY, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, ये पहला मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा, इसकी रचना कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1990 के दशक में चालू की गई, पहला मुद्दा इसका अंग्रेजी नाम। दूसरा, इस योजना की शुरुआत कब हुई 1990 में। तीसरा मुद्दा, ये योजना के अंतर्गत क्या था, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार हेतु प्रधानमंत्री रोजगार मतलब स्वरोजगार इसका मुख्य उद्देश्य था, अर्थात तीन मुद्दे, पहला अंग्रेजी नाम, दूसरा कब चालू हुई और तीसरा उसका उद्देश्य के लोगों को स्वरोजगारी प्राप्त करवाना और रोजगार में वृद्धि करना और उसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों की मदद करना और स्वरोजगार, मतलब तीन मुद्दे इसके अंतर्गत बनेंगे। अंग्रेजी नाम, कब ये चालू हुई और इसका मुख्य उद्देश्य। उसी क्रम में स्वरोजगार के कार्यक्रमों के अंतर्गत चौथा जो हम सातवां मुद्दा उपाय के अंतर्गत का देख रहे उसका सातवें का चौथा मुद्दा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून 2005, मतलब दो मुद्दे आप लोगों को कोष्टक में मिल जाएंगे। एक उसका अंग्रेजी नाम नरेगा, कोई लोग उसको मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। 2005 में इसकी शुरुआत हुई, मतलब पहला अंग्रेजी नाम NREGA और इस योजना की शुरुआत 2005 के अंतर्गत हुई है। दूसरा, तीसरा मुद्दा इसके अंतर्गत अगर आप बनाने जाते तो इसका उद्देश्य के इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत संपत्ति का निर्माण कर प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी, मतलब इन शॉर्ट ग्रामीण और शहरी गरीबों के मध्यम परिवार के लोगों को कम से कम एक व्यक्ति को, मतलब प्रत्येक परिवार के गांव में हो चाहे वो शहर में रहते हो, उनके परिवार के किसी एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन तक का काम उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। मतलब पहला मुद्दा इसका अंग्रेजी नाम नरेगा NREGA, दूसरा मुद्दा कब चालू हुआ 2005 में, तीसरा मुद्दा उसका उद्देश्य कि कोई भी परिवार, गरीब परिवार के या तो मध्यम परिवार के गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, उसके परिवार के सदस्य को कम से कम 100 दिवस तक का काम उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना का नाम कब बदला गया, तो इस योजना का नाम 2009 में बदलकर नरेगा से मनरेगा नाम कर दिया गया। मनरेगा नहीं समझना है, मनरेगा MGNREGA नामक योजना, इस योजना का नाम बनाकर कर दिया गया। उसी क्रम में आगे का जो मुद्दा है वो है आवास योजनाएं, मतलब सात मुद्दे हमने देखे थे उसके बाद का आठवां जो मुद्दा है वो आवास योजना। उसके अंतर्गत के अगर मैं बात करूं तो क्या था ये आवास योजना, तो भारत के गांव में आज भी अधिकांश लोग गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन जीने वाले परिवार को
मतलब कम से कम निवास, मतलब इन शॉर्ट वाक्य प्रयोग करना है कि गांवों में या तो शहर में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम निवास या मकान की सुविधा प्राप्त करवाने के लिए, या तो गरीबों को उचित आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना चालू की गई। दूसरा मुद्दा, कब चालू की गई? 1985 और 86 के अंतर्गत ये योजना चालू की। पहला वाक्य प्रयोग या उद्देश्य के गरीब परिवारों को मकान की सुविधा प्राप्त करवाना। दूसरा, कब चालू हुई? 1985 और 86 के अंतर्गत ये योजना चालू हुई। तीसरा मुद्दा, कौन से लोगों को इसमें मकान प्राप्त करवाए जाते थे? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात SC और ST जाति को इसके अंतर्गत मकान प्राप्त करवाने के लिए ये योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से शुरू हुई थी। IAY इंदिरा आवास योजना के नाम से ये चालू हुई थी। वर्तमान में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम 2013-14 में राजीव आवास योजना इसका नाम बदला। मतलब आगे का मुद्दा, इसका नाम कब बदला? 2013 और 14 में राजीव आवास योजना नाम बदला। और उसके बाद 25 जून 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। इन शॉर्ट, चार मुद्दे इसके अंतर्गत, उद्देश्य कब ये चालू हुई, उसके नाम कब बदले गए, नया नाम कब चालू रखा गया, और इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी जाति का समावेश होता है वगैरह मुद्दों को आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो अर्शद जानी 9825581539 नंबर पर संपर्क करके आप विषय को लेकर या मुद्दों को लेकर आप अपना प्रश्न का समाधान कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।